प्रभावशाली व्यक्तित्व और साहसी व्यक्ति जिनके अंदर होता है अत्यधिक उत्साह और जो होते हैं अत्यधिक महत्वाकांक्षी, ऐसे लोग होते हैं सिंह राशि के, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। मित्रों, लग्न कहें, राशि कहें या फिर साइन कहें, ये सभी एक ही बातें हैं। मित्रों, हम यहाँ सिंह लग्न की ही बात कर रहे हैं और हम इसी की बात करेंगे, इसको सिंह राशि से भी संबोधित करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके बर्थ चार्ट के प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आप हैं सिंह लग्न के व्यक्ति। सिंह राशि एक क्षत्रिय राशि है जिसका तत्व अग्नि तत्व होता है। सिंह राशि एक स्थिर किंतु क्रूर राशि होती है। इसका स्वभाव स्थिर होता है लेकिन इनके अंदर क्रूरता होती है। इस लग्न के लोगों में भी पित्त प्रकृति की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है क्योंकि ये पित्त प्रकृति के होते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। लग्न पर यह मेरी 5वीं वीडियो है। अगर आपने मेरी ग्रहों पर वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंह लग्न के व्यक्तियों के शारीरिक संरचना से। सिंह लग्न के व्यक्ति लंबे होते हैं, जिनका शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, हड्डियां उनकी थोड़ी विकसित होती हैं, कंधे उनके चौड़े होते हैं, माथा उनका थोड़ा चौड़ा होता है। ऐसे लोगों में जो कटकाठी होती है वो प्रभावशाली और गौरवशाली होती है। उनका रूप रौद्र रूप होता है, जो हर समय क्रोध तो नहीं करते किंतु उनका स्वभाव में थोड़ा बहुत ऐसा दिखेगा आपको कि वो रूलिंग अथॉरिटेटिव व्यक्ति हैं, क्योंकि इस राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, इसलिए उनके अंदर एक तेज भी नेचुरल होता है। इसलिए ऐसे लोग हमेशा उच्च श्रेणी के संगठनकर्ता यानी कि हायर मैनेजमेंट के व्यक्ति होते हैं, जिनका नेचर अथॉरिटेटिव होता है। निष्पक्ष व निष्ठावान स्वभाव रखते हैं ऐसे व्यक्ति, यानी कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसके दोनों पहलू पर अच्छे से विचार और विमर्श करना उनकी आदत होती है और अच्छे से विचार करके उस पर जो है वो फैसला लेते हैं। और यही कारण है कि कभी कभी ऐसे बन जाते हैं कि लोग उन्हें आलसी समझने लगते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बिना प्लानिंग के कोई काम करते नहीं, हिलेंगे भी नहीं। अगर प्लान अच्छा नहीं है तो वो उठेंगे भी नहीं अपनी जगह से। तो जाहिर सी बात है कि पहले प्लान करेंगे फिर उसके बाद एक्शन लेंगे। धीरे धीरे ये उनका नेचर ही बन जाता है कि वो ऐसा प्लान करते हैं कि कम समय में कम मेहनत से अधिक काम हो सके, चाहे वो दूसरों से काम कराना हो चाहे खुद को काम करना हो। वो प्लान ऐसा बनाएंगे कि दूसरों से भी कम लोगों में या कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके। लोगों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं ऐसे लोग, और किसी प्रदर्शन के मुखिया होते हैं। अधिकतर ये दूसरों के अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं। अगर दूसरों के अंडर काम करना भी हो तो ये स्वतंत्र विचारधारा से काम करेंगे, यानी अगले की प्लानिंग को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, ये अपनी प्लानिंग को दूसरों के ऊपर अप्लाई करेंगे। ऐसी तरीके से इनको काम करना पसंद होता है, अन्यथा ये वहाँ से हट जाएंगे। फिर किसी भी कार्य को अच्छे से ये मैनेज कर लेते हैं। और इनके अंदर एक खास बात ये भी होती है कि वो सदैव दूसरों की कमजोरी को या कमजोर वर्ग को हमेशा ऊपर उठाते हैं, और किसी भी रूप में अगर वो कमजोर है तो वहाँ वो उसकी मदद करते हैं। वो आर्थिक, शारीरिक या सामाजिक किसी भी तरीके की मदद हो, वो सदैव इस मदद को करने का वो प्रयासरत रहते हैं। दूसरों की बातों में को धीरज से के साथ सुनते हैं। अगर दूसरा कुछ भी बोलेगा तो उसे भले धीरज के साथ सुन लेंगे और सुनने के बाद तब उस पर फैसला लेंगे, क्योंकि ये खुले विचारों के व्यक्ति होते हैं। मित्रों, सिंह राशि के व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से दूसरों की मदद करते हैं, परंतु जो बार बार उनसे सहायता की उम्मीद करते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए वो दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो किसी को खड़ा करने पर यानी उसकी हेल्प करके उसको ऊपर उठाने पर विश्वास करते हैं, ना कि हमेशा उसकी उंगली पकड़ा करके और तब चलाएं अपनी उंगली उसको पकड़ा करके।
मित्रों, सिंह लग्न के लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं, परंतु उनका गुस्सा अधिक समय तक नहीं रहता। आत्मबल बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से वो बार बार हर कठिनाई का सामना अपने आत्मबल से करते हैं। जो कार्य करने में उनका मन होगा, वही कार्य वो करेंगे। किसी के दबाव में आकर के वो किसी भी कार्य को नहीं करते हैं। सिंह लग्न के व्यक्ति कठिनाई कितनी भी आ जाए, असफलता कितनी भी मिल जाए, उससे वो सीखेंगे, उसकी परेशानियों से वो अपने घर पर बैठेंगे नहीं, और सीख करके फिर आगे बढ़ते हैं उससे। ये एक उनके अंदर खासियत भी होती है, और आगे बढ़ने का प्रयत्न वो सदैव करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा उच्च पद को प्राप्त करने वाले या ऊंची जॉब करने वाले व्यक्ति होते हैं, और इनकी कोशिश भी यही होती है कि वो सदैव ऐसा कार्य करें। अब बात करते हैं कि इनके कार्य क्षेत्र की या व्यापार की। तो व्यापार में उन्हीं वस्तुओं का निर्माण से जुड़ा कोई कार्य करेंगे, जैसे दवाइयाँ हो गई, या दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, दवाइयों की ट्रेडिंग हो गई, दवाइयों से जुड़ा कोई भी कार्य हो गया, दवाइयों की कंपनी में जॉब हो गया, या फिर आयुर्वेद वैद्य का कार्य हो गया, इस प्रकार के कार्यों में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है। समाज में, परिवार में इनको मान सम्मान मिलता है। ऐसे लोग ईमानदार और दयालु व्यक्ति होते हैं। मित्रों, सप्तमेश शनि होने की वजह से इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा तो नहीं, किंतु ठीक ठाक होता है। परंतु शनि पर शुभ दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति प्रेमी स्वभाव के भी मिलेंगे आपको, और इस लग्न के व्यक्तियों को अपनी माता से अत्यधिक प्रेम भी होता है, और ये अपनी माता के आज्ञाकारी व्यक्ति होते हैं, आज्ञाकारी पुत्र होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका स्वास्थ्य उत्तम स्वास्थ्य होता है, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियां तो इनको आती हैं और चली भी जाती हैं, इनको पता भी नहीं चलता है। और अगर कभी समस्या आ भी जाए तो बड़ी आसानी से जरा सी दवा लेने पर ये ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि बात वही है, फिर आत्मबल अधिक होता है, तो आत्मबल से ये अपनी समस्या को अधिक से अधिक खत्म कर देते हैं। स्वास्थ्य भी इनका इसी से ठीक हो जाता है। मित्रों, सिंह लग्न के व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं। यदि ऐसे लोग किसी कार्य को करने की ठान लें तो कार्य को समाप्त करके ही दम लेते हैं। सिंह लग्न पर किसी भी तरह का अगर मित्रों पाप प्रभाव पड़ जाए तो ये लग्न पर पाप प्रभाव में दृष्टि डालें या वहाँ पर पापी ग्रह बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति को हर तरह से परेशानी में डाल देते हैं। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति को अहंकारी बना देते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके अंदर एक अहंकार आ जाएगा, ईगो की प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ प्राप्त कर ले तो उसमें घमंड अपनी आवश्यकता से अधिक दिखने लगेगा, और कोई भी उसे देख करके एक ही नाम देगा कि यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकड़ू है, अकड़ इसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा है। स्वभाव से तो वह बहुत अधिक जिद्दी होता है, हो जाता है, और छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी जाहिर करेगा, और ऐसी नाराज़गी जाहिर करने लगेगा कि दूसरे व्यक्ति की ना तो इज्जत करेगा और ना ही किसी भी तरीके से उसकी मदद करना चाहेगा। मित्रों, ऐसे व्यक्ति अपनी ही नज़रों में गिरने लगते हैं, जिससे इनका आत्मबल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिससे इनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा दिखने लगता है। ऐसे लोगों को दूसरों की सलाह बिल्कुल भी नहीं मानते और मानना भी नहीं पसंद करते हैं, अपनी ही बात को सबसे आगे रखेंगे और अपनी बात को दूसरों पर थोपते हैं, जिससे समाज में इनके मान सम्मान में कमी होने लगती है, जिससे ये समाज से कटने लगते हैं और सभी से बोलना भी पसंद नहीं करते हैं, और अपने आसपास के लोगों से अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अक्सर चापलूसी पसंद व्यक्ति हो जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से पाप प्रभाव की वजह से इनको स्वास्थ्य में अक्सर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को पित्त की समस्या होना बड़ी आम बात हो जाती है, पित्त से जुड़ी समस्या इनको बनी रहती है। मित्रों,
लग्न पर प्रभाव के साथ साथ सूर्य की स्थिति, परिस्थिति और उसकी डिग्री, इन सभी बातों का ध्यान रख करके ये निर्णय लिया जाना चाहिए कि उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार होगा। इसलिए मेरी कही गई सभी बातों का आधार सूर्य की स्थिति और लग्न पर पड़ने वाली दृष्टियां, इन पर निर्भर करता है। सिंह राशि के विषय में और भी कुछ कहने को है, किंतु मैंने यहाँ जो जरूरी था उन्हीं बातों का वर्णन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद मित्रों।